दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर टू आवर्स ना इन गोवा एयरपोर्ट. सो यार गाइज, हमारी फ्लाइट डिलेड है एंड इस तरह से हमने हमारे लास्ट 2 घंटे का टाइम पास किया है. तो अभी ना मेरे को सबके बोर्डिंग पासेस दे दो. ये बोर्डिंग पास ये कोई क्या करो, इसे एक फोटो खींचो बाद ऐसे तुम्हारा नाम ऊपर लिख के दो. मतलब मेरे को एक स्टेटस रखेगा मैं अभी मतलब व्हाट्सएप पे रे. फोटो क्लिक करने का बटन दबा. सो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट और पैर पिशोज पे पैर मत मारो. और ये हमारी बस है जो हमको ड्रॉप करेंगी फ्लाइट तक बैठने का, ठहर के जाने का नहीं, ठहर के जाने का. सीट नहीं मिली हमको तीनों को, खड़े देके जाना पड़ेगा. एंड एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टी होने वाला है, एक सामने से साइड वाले रोड पे दिखे मिला. ये एंट्री कर इधर लगी हुई है फ्लाइट, ये इंडिगो का फ्लाइट यहाँ पे लगा हुआ है. ये वाला भी एक ड्रीम कम ट्रू हो जा रहा, नहीं तो डायरेक्टली चेक इन हो जा रहा था ना. कैसन बा, कैसन था ट्रिप? और अब आज हमारा लास्ट डे है, और आप देख सकते हैं हम एंट्री एयरपोर्ट पर आ चुके हैं. चलो फिर अभी चलते सीधा बाहर के सीधे. कौन से बस स्टैंड छोड़ेंगे अभी? ये छोड़ेंगे स्पाइस जेट बस स्टॉप पर, हैदराबाद ही मार्ग जाना. यार पता नहीं किस चीज़ का रिएक्शन हो गया, इतने पिंपल्स आ गए ना मेरे को, ये पानी वानी में कुछ तो भी बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा जैसे. और तो ये तकलीफ नहीं दे रहे बट मोबाइल से म्यूट कर लीजिए. वेलकम टू गोवा. ये है हमारी आज की फ्लाइट एंड प्लेन कुछ ज़्यादा ही छोटा है. इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि एक प्राइवेट जेट लेने का. और ये हमारे कहानी के दोनों मेन पात्र, हाथ में छोटा सा सामान लिए हुए. अरे इसके तो हाइट भी नहीं है प्लेन का. तो फिलहाल हम चढ़ चुके हैं फ्लाइट में. ये है हमारा एयरप्लेन और ये हमारे बोर्डिंग पास. यहाँ से जाना है सीधा हैदराबाद. हैदराबाद से हम आगे क्या जर्नी देखते हैं कि किस तरह से कि रात के 12:30 बजे छोड़ना है. तो ये रात में हमको छोड़ेगा, उसके बाद में देखते हैं कि आगे की फ्लाइट किस तरह से होती है एंड क्या क्या सीनैरियोज बन के आएंगे और आगे के जो जर्नी है वो किस तरह से होगी. बिकॉज बिल्कुल भी अनप्लान्ड ट्रिप करके हम लोग निकले थे. अब रात को अगर छोड़ेगा तो ट्रेन मिलेगी टाइम से नहीं. फिलहाल बैठते हैं यहीं पर. ट्रेन होने में अभी 8:15 मिनट है. कुर्सी की पेटी हमने अभी नहीं मान ली है. फ्लाइट डिले होने के कारण हम बहुत सीखते हैं. प्राइवेट जेट की आदत डालने के लिए छोटे प्लेन में बोलेंगे. या हमारा तो मैडम है, वो पायलट है, जो लेडीज़ है. एंड मेरा ये मानना है कि औरतों को गाड़ी चलाने नहीं आती. पता नहीं अब मेरा क्या ही होने वाला है भाई. होपफुली हमारी यात्रा कुछ समय लग जाए. फिर रहा
आपको लग रहा है शायद हैदराबाद ही है। The next day. अभी तक बस हाफ वे का और वह ट्रेन बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। अभी 100 किलोमीटर के ऊपर अभी कवर कर रहे हैं डिस्टेंस एंड 1:30 बज गया। पता नहीं क्या कब पहुँच चाहिए। बहुत क्राउड है और तो एसी में नहीं आता इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। गाइस आ गया हमारा स्टेशन। ट्रेन अभी रुक जाएंगी तो उतरेंगे हम विदाउट टेंशन। बादल बरसा नीचे जाओ 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 लास्ट राइड छोड़ेगा हमको घर तक। एंड ये है काली पीली क्या बोलते हैं काली टैक्सी टैक्सी फेक नॉर्मल। सारे तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किए, बाय एयरपोर्ट पहले, बाय प्लेन पहले आए, देन ट्रेन से, और अब जा रहे हैं कार से बाय रोड। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, प्राइवेट गाड़ी में सो लगे बस प्राइवेट कार से आएंगे। एंड यार ये एक्सपेक्ट के बारे में किसको कुछ पता है क्या करना है तो बताओ, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे से हो पाती हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा वतन लातूर शहर। बहुत बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा लाइक हरासमेंट नहीं हुई लेकिन सिर्फ थोड़ा सा होता ना ट्रैवलिंग में, रिटर्न ऐसे ही है। रुका दे हैं, रुक जाएंगे, बैग खुद वजन है ना, कहीं को बोला है उसको अपन आप क्या है तो बोल रहे हैं जैसे कि अपन चलो जन आ रहा तो आ जाएंगे। मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा था लेकिन हर कोई मेरे को भी अड़चन मिल के बोला कितने काले हो गए तुम, अभी तो घर पे जाने के बाद बहुत बहुत ताने पड़ने वाले पूरी पूरी मस्ती निकल गई है। हाँ 4 दिन 5 दिन एक बार ये पहला फोटो देखते अपन यहाँ आने के पहले। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, गोवा सीरीज किस तरह से लगी बताना एंड मिलते हैं अगली वीडियोज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कल से रेगुलर व्लॉग्स भी आने वाले हैं। बाय। That's the best.